शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज की महफिल में मुसन्निफा जितनी पेशकीमत हैं, यहाँ मौजूद सामईन भी काबिल कदर हैं और मुबारकबाद के हकदार हैं। जहाँ तक वक्त का सवाल है, मुझे मुग़ल आज़म का कुछ डायलॉग में से कुछ याद आ रहा है कि आज वक्त की कैद से हटा ली जाए। उसकी वजह ये है, वैसे मेरी बहुत कोशिश होती है अपने साथ बोलने की, उसकी वजह ये है कि मैं आईनी आपा की गुज़िश्ता 20 वर्षों से पाई हूँ। अब उसको मैं इंतजार है, एक अहद है, उसको मैं चंद सत्रों में कैसे समेट सकती हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि बजाय उनके नॉवेल निगारी या अफसाना निगारी या शख्सियत जो कि आज इंटरनेट के तवस्सुत से भी लोगों के सामने है, मैं अपना एहसास उनकी फिक्र की रोशनी में बयान करूं जो उनकी तहरीरों ने मुझे अदा किया और यही उनका पैगाम है। और मैं यहाँ दो खवातीन को कोट करना चाहूँगी, ये भी एक उनसे मैंने सीखा कि इंसान में धार जरूरत में दयानतदार होनी चाहिए। आप किसी की बात को रेफरेंस का जरिया जरूर बनाइए, लेकिन उसका क्रेडिट उसको दीजिए जरूर। तो ये भी यानी आप अपनी तहरीर से मैंने ये जरूरत सीखी। तो कुछ बातें जो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगी, थोड़ा सा मैंने लिख इसलिए लिया है कि मैं मुकर्रर वक्त में कह सकूँ। सौदा ने 400 वर्ष पहले शेर कहा था, आज भी उतना ही सच्चा है। यही वो फन है जो सेना की नोक पर अपना अपनी बात मनवाता है। दुनिया तमाम गर्दिश अखलाक से बनी, माटी हजार रंग की उस चाक से बनी। कुरान नजर को अगर एक लाइन में मैं कहूँ तो ये कह सकती हूँ कि वक्त का फासला माजी की सहूलतों को अफसानवी रंग दे देता। कहानी से इंसान का रिश्ता कितना पुराना ही कोई नहीं जानता, लेकिन उनसे रिश्ता बहुत अपनायत का है। ये दिल लगी का सामान भी और दिल की लगी का इजहार है, इस राह का जरिया भी दिल बस्तगी का तिलिस में हो जरूरत है। मुख्तसर भी और तवील भी, आप बीती कब जब बीती बन जाए कि मुड़ कर देखने वाला पत्थर हो जाए, ये आईनी आपा का एजाज था। ख्वातीन को जब इजहार के रास्ते मिले तो उन्होंने ये बता दिया कि रब जगों में इस सलीके से जागना कि अपनी आंखों को लाल मत कर लेना, गमलों में उम्मीदें बोना, मुट्ठियों में आस के झुल्लू पकड़ना और चौकट से दहलीज तक डबे पांव यूं चक्कर लगाना कि कान कान किसी को खबर न जाए, टापों में यकीन का दिया जलाना हौसलों के हाथों से और फिर मतमईन हो जाना। हमारे पितरी मुआशरे में एक वक्त वो भी था कि खवातीन की शनाख्त झूले से चूल्हे तक नंगे पांव चिड़िया की मानी थी। डोली में सफर करते वक्त पत्थर की सिर रख दी जाती थी कि कहारों को कोई गुमान न गुजरे। मुल्क सियासी गुलामी में झगड़ा था और मुआशरा जहनी गुलामी में, जहाँ खवातीन नस्ल दर नस्ल पाबजोला एहतजाज का नमूना थी। अपनी तहरीरों में आईनी आपा ने अपनी जात के टुकड़े टुकड़े करके बांट दिए हैं और उन पर पूरे दिल से जख्मों का करीना, आहों की शिद्दत और आहों की गहराई रखती है। ये उनके जमालियाती जौक का इजहार भी है कि जंगली गुलाब को गुलदान में सजा दिया और अपने उस लोग से ये जता दिया कि दरिया को गंगा कहना और पर्वत को हिमालय कहना सिर्फ अकीदत नहीं
बल्कि इंसान के कैसी के इत्तेका को जो है। ज़हरा निगार कहती है, बड़ी मशहूर शायरा, बड़ी माहिर खातून है, कि उनकी तहरीरों को अगर मैं कोई बुनाई का नमूना समझूं, तो उनके पास दो धागे थे, एक तारीख का और दूसरे तहजीब का, और उसमें उसलूब का ऐसा टांका लगाया कि जो नमूना सामने आया उनमें हम असलों में कोशिश के बावजूद कोई उसे पा नहीं सका। ज़हरा निगार कहती हैं कि उनकी तहरीरों में अगर दो धागे थे तो एक तहजीब का और एक तारीख का, और उसमें उसलूब का ऐसा टांका लगाया कि जो नमूना सामने आया उसे हम असलों में भी कोई पा नहीं सका। कि मर्द को तो हमेशा इस दुनिया और जिंदगी में अपनी तरजीहात पर इख्तियार है, लेकिन औरत में खुद अपनी झलक देखने के लिए बड़ा तवील सफर है। उनकी तहरीर में खास जमाने के रंग, तहजीब, तर्ज फिक्र और तरीके माशरे से दोबारा मुलाकात होती है। डॉक्टर आरिफा सैयदा जहरा कहती हैं, उन जैसी खूबसूरत जबान, उस अहद का जहनी रवैया, उन्हीं का खासा है। कुरतुनैन हैदर का कमाल ये है कि उनकी कहानी शुरू तो कहीं महात्मा बुद्ध से होती है, मगर वो खत्म मेरी और आपकी हथेली के लकीरों पर हो जाती है। ये कमाल की तारीख एक मुट्ठी में बंद करके इंसान की पूरी तारीख सुना दी जाए, तवज्जो चाहती हूँ। ये खाली अफसाने का फन नहीं है, आरिफा सैयदा कह रही है, ये खाली अफसाने का फन नहीं है, ये इल्म का फन है। और ये खाली इल्म का फन भी नहीं है, ये फन वो शख्सियत जिस तहजीब से तराशी गई और जिस तहजीब के नक्शनगार को उन्होंने खुद तराशा हो। उनके नॉवेल, अफसाने, खुदनविश, आत्मदलिया ये सब जानते हैं, लेकिन एक सिंह जिसमें उन्होंने अपने उसलूब का अस्त कमाल दिखाया है, वो रिपोर्टाज रिपोर्टेज, जिसमें फनकार किसी रिपोर्ट को अदबी पैराए में या अफसाने के फन में पेश करता है। सफर के तासुरात जाहिर करने का एक तरीका है। वक्त की कमी है इसलिए मैं वहाँ यहाँ इक्तबास नहीं पढ़ रही हूँ। सितंबर का चांद उनके मशहूर रिपोर्टाज में से है। तालिबात जो हैं और असातिज़ा भी कभी वक्त निकाल कर उसको पढ़ें तो उनका उसलूब आपके सामने आएगा, जिसकी दाद ज़हरा निगार ने दी है। ऐनी आपा को याद करने का मेरे नज़दीक जो असल मकसद है और जो पैगाम है, इसकी अभी बात हुई है, वो ये है कि वो चाहती थी कि जख्मों को रेशमी चादर से छुपाने से वो भर नहीं जाते, उनका मदावा मरना हो जाता। जख्मों को रेशमी चादर से ढांप दिए जाने से वो भर नहीं जाते, उनका मदावा मरना होता है। और औरत भी उतनी ही इंसान है, जितना कि मर्द न ख्वाब देखने से घबराती है न जद्दोजहद से उकताती है। ये ऐनी आपा का पैगाम था। मुख्तसर कहना है इसलिए मैं बहुत एक प्यारी सी बात कहना चाहती हूँ कि बुजुर्ग कहते थे, वक्त वक्त की बात होती है और जादू बरहक है। वक्त के साथ आईनों में परतों और अक्स के जाविये बदलते रहते हैं, कभी सामने कभी ओझल, कभी बोलते कभी चुप। इस खानदान में आने वाली हर रोज अपने हिस्से का जादू साथ लेकर आती है, और जहां ये तिलिस्म साथ छोड़ जाए वहां आदमी दम तोड़ देता है। उम्र चाहे कितनी पाए कोई अहमियत नहीं है। ये जादू ये तिलिस्म कि आज मैं आपा को याद कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो कहीं नहीं गई, वो हमारे दरमियान आए हुए हैं। इंतजार हुसैन की बात इस हवाले से मैं दलील के तौर पर पेश करना चाहती हूँ कि किसी भी तहजीब में जबान की मुहाफिज औरत होती है। अली सरदार यासमी ने कहा, ऐसे ही लोगों के लिए
कि माजी की सुरानी के दिल से मुस्तकबिल के पैमाने में मैं सोता हूँ और जागता हूँ और जाग कर फिर सो जाता हूँ। सदियों से पुराना खेल नहीं है, मैं मर के अमर हो जाता हूँ। आपको तो यहाँ याद कर रहे हैं तो एक बात ये जरूर पूरी जिम्मेदारी से कहूंगी कि उन्हें बरस सगीर का मुसलमान होने पर फख्र है। उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान के मुहाजरीन आज भी हिंदुस्तान आते हैं तो कहते हैं घर जा रहे हैं। उस ऐनी आपा को जब हमने याद किया तो मैं बहुत अदब के साथ कहूंगी कि वो खवातीन के लिए मखसूस पता नहीं है, वो तो एक ऐसा बहर बेकराम है कि उसने किसी डोल डालने वाले से उसका नाम और पता और मजहब और जात नहीं पूछी। आपके दरमियान की यहाँ बात हुई तो मैं अपनी लाइन चार जरूर सुनाना चाहूंगी आजादी के महोत्सव में जो मैंने अपनी तरफ से लिखा था कि हमारे लिए ऐनी आपा और हिंदुस्तान पर मुख्तलिफ चीज नहीं। मैं जब उनके बारे में सोचूं तो इन दोनों चीजों को मैं साथ में सोचती हूँ। और हमने इस मुल्क को जो दिया है, मुल्क का हक था कि वो दिया जाए, कोई एहसान नहीं है मेरे नजदीक, बल्कि अभी तो बहुत से ऐसे कर्ज हैं जो हमारे ऊपर वाजिब हैं, हम चुका नहीं पाए। अगर मैं अपनी जाती बात करूँ तो यहाँ पर जिन हैदराबाद की बात हुई और उनको हिंदुस्तान इंग्लैंड से होते हुए आना पड़ा, तो मैं यहाँ चार महीने पेश करना चाहती हूँ ताकि ये पैगाम पहुँचे इस स्टेज के तवस्सुल से कि उर्दू अदब हिंदुस्तानी खवातीन यहाँ आज एम्पावरमेंट की बात जो होती है ये समझा जाता है कि मुस्लिम खवातीन जो है वो एक कोई नमूना है अजायब घर का। तो मैं यहाँ याद दिलाना चाहती हूँ बल्कि मैं इस मुआशरे से सवाल पूछना चाहती हूँ इस स्टेज से कि वो एम्पावरमेंट में पहला नाम हज़रत खदीजा तुल कुबरा का था और दूसरा हज़रत आयशा का था। हमने तो मजहब को उस ढंग से इंटरप्रेट नहीं किया। आरिफा सलीला ज़हरा ने ही कहा था जब वो चर्च में लेक्चर देती हैं कैम्ब्रिज के कहीं पास में और एक ईसाई ने पूछा पॉप ने उनसे कि आपकी गुफ्तगू से तो लगता नहीं कि हमारे दरमियान कोई बहुत इख्तलाफ है, तो उन्होंने दो मिनटों में पूरी बात कह दी और वो ये थी कि आपने बाइबल का टेक्स्ट बदल दिया, हमने कुरान का इंटरप्रिटेशन बदल दिया। तो कुरान का रोशन ख्याल होना बिल्कुल लाजमी है, हमने उस रोशनी में अंधेरे खोलने शुरू कर दिए, ये हमारी कटफहमी थी, हमारे मजहब का हमारी तहजीब का ये दृश्य नहीं था। एक कलेक्शन और करते चलूं कि तरका बांटा जाता है, प्रॉपर्टी जायदाद बांटी जाती है, वैसा क्यों का क्यों अगली नस्लों को मुंतकिल किया जा रहा है वो हमने नहीं किया। इसके आज हम बहुत सारे प्रयागराज में गिरे हुए हैं और मेरी यहाँ चार टाइम में उस पस मंजर में चाहे वो रतनलाल हैदर हो, चाहे वो इसमत हो, चाहे वो अमृता प्रीतम हो, मैं ये कहना चाहती हूँ और बस एक ही मिनट आपको और होगी। यहाँ बुद्ध का बरगद फैला है, यहाँ बुद्ध का बरगद फैला है, चक्र अशोक का चलता है, ये उत्सव वीरों की गाथा है, इस मिट्टी से वादा है, अश्वाक बिस्मिल करम बसंती, अश्वाक बिस्मिल करम बसंती, छेड़ी कबीर निभानी है, ये उत्सव वीरों की गाथा है, इस मिट्टी से वादा है। मैं सिर्फ इतना आखिर में कहूँ कि वो हिंदुस्तान जहाँ राखी के कच्चे धागे पक्के वादों के तर्जुमान हैं, जहाँ बेटियाँ पैर नहीं छूती, जहाँ सारी फिर बाई की जिद्दोजहद के साथ चांद बीबी रजिया सुल्तान डी अम्मा लक्ष्मीबाई की तलवार की झंकार है, वहाँ कुरतुल ऐन हैदर ने जब लिखा कि अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजिए, वो आज तक सादिक आता है, उनको असल खराज अकीदत ये होगा
कि उनके फिक्र और एहसास सिर्फ पढ़ने की हद तक नहीं अपने जाती रवैयों में भी हम लाने की कोशिश करें और उसके बाद फिर एक और प्रोग्राम इस तरह का हो कि हम कह सकें कि वाकई में हमने इन लोगों को खराज तहसीन पेश की है। मेरे जानिब से सिर्फ इतना ही। मैं शुभकामनाओं में मैं सुबह कायनात में सदाए बार विश्व हजार बार आऊँगा दुआएं मेरे लिए। आप सबका बहुत शुक्रिया।